the name of Allah, the most gracious and the most merciful. How are you, students? I hope you all are fine. I am also good by the grace of God. Well, class, today we will start a new unit, and that is unit number 3, call us, not beers. कॉलर्स जो हैं वो बियर्स नहीं हैं. ओके, वी विल डू इट्स रीडिंग, ट्रांसलेशन एंड वर्ड मीनिंग्स. ओके, कॉलर्स नॉट बियर्स. दो के स्टूडेंट्स जो कॉलर्स होते हैं वो बियर्स जैसे लगते हैं, टेडी बियर्स जैसे लगते हैं, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट. ओके, people often think that koalas are bears, but although they look like a teddy bear. People often think, log aksar sochte hain ki koalas jo hain wo bears hain, but although they look like a teddy bear, lekin agarche wo teddy bear jaise dikhai dete hain. They belong to the kangaroo family, aur unka taluk jo hai wo kangaroo family se hai. Belong, taluk. Koalas and kangaroos are marsupials. Koalas और जो kangaroos हैं उनको marsupials कहा जाता है. अब marsupials कौन से animals होते हैं? Marsupials are animals that give birth to their babies when the babies are not fully developed. Marsupials वो animals होते हैं बेटे, वो जानवर होते हैं जो कि अपने बच्चों को पैदा करते हैं जब वो fully developed नहीं होते, मुकम्मल तौर पर वो डेवलप्ड नहीं हुए. ओके, कोआलास हैव देयर बेबीज ग्रोइंग इनसाइड देम फॉर ओनली अबाउट 40 डेज. कोआलास के जो बेबीज होते हैं वो उनके अंदर जो उनकी ग्रोथ हो रही होती है वो सिर्फ 40 डेज के लिए होती है. ओके, इनसाइड मींस अंदर, ग्रोइंग ग्रोथ होना, बढ़ना. ओके, कोआलास हैव पाउच. कोआलास जो होते हैं उनके पाउच होते हैं, यानी कि थैली होती है. अ बेबी कोआला इज कॉल्ड अ जॉय. और जो बेबी कोआला होता है, जो कोआला का बच्चा होता है, उसको जॉय कहा जाता है. एंड इज अबाउट द साइज ऑफ अ जैली बीन. और उसका साइज जो है वो बिल्कुल जैली बीन की तरह होता है, मीन्स ये कि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है. ओके, इट इज़ ब्राइट पिंक. और ये खिले हुए पिंक कलर की तरह होता है. And has no hair. और इसके बाल नहीं होते जब ये पैदा होता है. And no ears. और ना ही इसके कान होते हैं. And is blind. और ये देख भी नहीं सकता. Blind means अंधा होता है ये. But it is already a great little climber. लेकिन ये पहले ही बहुत अच्छा और ये great little climber होता है. Climber कहते हैं जो चोटियों पे चढ़ते हैं या जो किसी भी चीज़ के ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, कोहे पे माँ भी कहा जाता है इनको. लेकिन ये इतना ऊँचा तो नहीं चढ़ता. लेट्स सी कि ये क्या कैसे क्लाइंब करता है. ओके, द न्यू बॉर्न जॉय क्लाइंब्स थ्रू इट्स मदर्स फर अंटिल इट गेट्स टू हर मदर्स पाउच. नया पैदा हुआ जो जॉय होता है, न्यू बॉर्न मीन्स नया पैदा हुआ, क्लाइंब्स वो चढ़ता है थ्रू इट्स मदर्स फर, अपनी माँ की फर के ऊपर, अपनी माँ की खाल के ऊपर. अंटिल, अंटिल मीन्स जब तक. इट गेट्स टू हर मदर्स पाउच, जब तक कि वो अपनी माँ के पाउच के पास नहीं पहुँच जाता. एंड देयर इट स्टेज फॉर ओवर 5 मंथ्स. और फिर वो वहाँ पर 5 महीनों के लिए रहता है. स्टेज मीन रहना. वाइल इन द पाउच, और पाउच में ही द जॉय ड्रिंक इट्स मदर्स मिल्क. जॉय अपनी माँ का दूध पीता है. वन इट इज स्ट्रांग, और जब ये मजबूत हो जाता है. स्ट्रांग मीन मजबूत, इनफ मीन काफ़ी. और जब ये काफ़ी मजबूत हो जाता है, इट स्टार्ट टू पीप आउट ऑफ द पाउच. तो ये पाउच से बाहर देखना शुरू कर देता है, झांकना शुरू कर देता है. पीप आउट का क्या मतलब होता है? सीक्रेटली देखना. हाउ नॉटी ही इज. इट देन मूव्स फ्रॉम द पाउच टू बैक. और फिर ये पाउच से बैक हो जाता है, यानी कि वापस चला जाता है. द बेबी कोआला drinks its mother's milk. और बेबी कोआला जो है वो अपनी माँ का दूध पीता है.
अनटिल इट इज अबाउट अ ईयर, जब तक कि ये 1 साल का नहीं हो जाता, अयर्स ओल्ड, एक अयर ओल्ड 1 साल का नहीं हो जाता, बट इट ऑल्सो हैज समथिंग न्यू, लेकिन इसके लिए कुछ नया भी होता है। ऑन द मेन्यू यूकिलिप्टिस लीव्स, यानी कि ये बाद में क्या कौन से पत्ते खाता है, यूकिलिप्टिस लीव्स ये खाता है 1 साल के बाद जब ये बड़ा हो जाता है, मीन्स 1 साल तक वो अपनी माँ का दूध पीता है और उसके बाद जो है वो ये लीव्स खाना शुरू कर देता है। ओके ओके वेल स्टूडेंट, दीज आर सम फैंटास्टिक फैक्ट्स अबाउट द फरी फर्स्ट बॉल्स। अब फरी फर्स्ट बॉल्स क्या हैं, जो हमारे क्वालाज हैं, बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट एंड दे आर वेरी क्यूट। जिस तरह से फर्स्ट बॉल्स होती हैं वो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सी होती हैं, इसी तरह से क्वालाज होते हैं। सो इट्स फर्स्ट फैक्ट इज देर आर अबाउट 1 लाख क्वालाज इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 1 लाख क्वालाज पाए जाते हैं। क्वालाज हैव थिक ग्रे फर दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द हीट। क्वालाज की जो है वो ग्रे कलर की फर होती है और वो घनी फर होती है जो कि उनको हीट से प्रोटेक्ट करती है, हीट से उनकी हिफाजत करती है। दे हैव लार्ज फरी ईयर्स और उनके बड़े बड़े से फर के कान होते हैं, एंड लेदरी नोजेज और उनकी नोज जो है वो लेदर की होती है। द फर अंडर देयर बॉटम और वो उनके नीचे वाले हिस्से में जो फर होती है इज एक्स्ट्रा थिक, वो ज़्यादा थिक होती है, सो दैट दे कैन रेस्ट कंफर्टेबली इन ट्रीज, ताकि वो सुकून से रेस्ट कर सकें ट्रीज में। कॉला स्पेंट अप टू 18 आवर्स अ डे नैपिंग। कॉलाज जो हैं वो सारे दिन में 18 घंटे सोते हैं। कॉलाज कैन लिव फॉर अबाउट 10 to 12 years। कॉलाज जो हैं वो 10 से 12 साल तक जिंदा रहते हैं। पीपल यूज टू थिंक कॉलाज स्मेल्ट लाइक कफ ड्रॉप्स बिकॉज दे ईट यूकेलिप्टस लीव्स। इट इज नॉट ट्रू। कॉलाज जो हैं वो स्मेल करते हैं कफ ड्रॉप की तरह, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि ये जो है वो यूकेलिप्टस ट्रीज के जो लीव्स हैं वो खाते हैं। ओके बट इट इज नॉट ट्रू। कॉलाज आर इन डेंजर। कॉलाज जो हैं वो खतरे में हैं बिकॉज सो मैनी यूकेलिप्टस ट्रीज आर बींग कट डाउन फॉर वुड, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रीज हैं उनको काट दिया गया है और ये यूकेलिप्टस ट्रीज जो हैं यही उनकी खुराक हैं। जब ये काट दिए जाएंगे तो फिर कॉलाज जो हाउ विल दे सर्वाइव। ओके वेल वेरी शॉर्ट वर्ड्स मीनिंग, बहुत थोड़े से वर्ड्स मीनिंग है हमारे पास, बिकॉज इट वॉज सच अ सच एन ईजी चैप्टर। बिलोंग बी अ मेम्बर से ताल्लुक होना, मर्सिपियल्स मैमल्स ऑफ विच फीमेल्स हैव पाउच, थैली वाले ममालिया जिनके मतलब ये कि पाउच होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन रीडिंग, पाउच सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली यानी कि बोरी, फर डेंस कोट ऑफ हेयर पोस्तीन, पीप आउट अ सीक्रेट लुक झांकना, यूकेलिप्टस अ काइंड ऑफ ट्री एक किस्म का दरख्त, और इसको सफेदे का दरख्त भी कहा जाता है। ओके दीज आर द वर्ड्स मीनिंग, यू विल हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड यू विल ऑल्सो हैव टू मेक अ टाइटल पेज, एंड ऑन द टाइटल पेज यू कैन ड्रॉ अ ब्यूटिफुल क्वाला जॉय, कोई भी पिक्चर जो आपको ईजी लगे यू कैन मेक इट और यू कैन ऑल्सो पेस्ट इट ऑन योर नोटबुक। राइट वेल स्टूडेंट्स, गुड लक, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।